वनरुहाननम विप्रदावृतम। गोपियां कह रही हैं, श्याम सुंदर, जैसे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बने ज्ञानी संध्या करते हैं, ऐसे ही हम गोपियां भी वज की जो हैं वो भी संध्या करती हैं। बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो तो त्रिकाल संध्या करते हैं, प्रातः संध्या करें, मध्याह्न संध्या करें, सायं संध्या करें, परम ब्रज की गोपियां ऐसी हैं जो मात्र सायं संध्या करती हैं। किसी ने पूछा, सायं संध्या क्या? सायं संध्या तुम किस प्रकार करती हो? तब गोपियां कहें, हमारे ठाकुर जी तो वन में गाय चराने जब रोज जाते हैं, और जब सांझ का समय हो और गोधूली बेला आवे, तो गोधूली बेला सायं काल यानी हमारे प्रभु को वन में से वापस व्रज में पधारने का समय, और सायं काल जैसे भी आवे और हम अपने आंगन में खड़े खड़े उस सूरज के ढलने का इंतजार करें और हमारे श्याम सुंदर के पधारने का इंतजार करें और हमारे प्रभु के दर्शन का जो ताप है वही हमारी सायं संध्या है जो हम गोपियां नित्य करती हैं। इसलिए कह दिया दिन परीक्षये, ऐसे नहीं कहा कि दिन ढलने पर, दिन पूरा होने पर गोपियां कहती हैं कि हम प्रभु का इंतजार करती हैं, पर क्या कहती हैं? दिन का क्षय होने पर। ये दिवस के संग गोपियों को इतनी नाराजगी है क्योंकि दिन उगता है, ये दिवस उगता है, दिन होता है तभी तो शाम छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए दिन परीक्षय, क्षय शब्द का उपयोग कर दिया कि जब दिन का नाश होता है तब जाके हमारे प्रभु पधारते हैं, और हमारे जब प्रभु पधारे तुम्हारे प्रभु का स्वरूप भी कैसा। दिन परीक्षय नील कुंतलई वनरुहाननम विब्रदावृतम, आगे आगे गाय चल रही हो, पीछे पीछे भी गाय, और हमारे श्याम सुंदर बीच में हो, आसपास सारे सखा मंडली हो, और चलते चलते जब प्रभु आवे, और गायों के चलने के कारण जो रज उड़ती है वो रज उड़ उड़ के हमारे प्रभु के पूरे मुखारविंद के ऊपर मंडित हो गई है, और हमारे प्रभु हैं तो श्याम, और व्रज की रज कैसी है? पीले रंग की। हमारे श्याम सुंदर तो श्याम है, हमारे कृष्ण तो श्याम है, लेकिन व्रज की रज जो है वो पीले रंग की है, और जब गायों के चलने के कारण वही रज उड़ उड़ के ठाकुर जी के पूरे मुख के ऊपर लगती है तो ऐसे लगता है कि ये हमारे श्याम सुंदर नहीं पर ये तो कोई पीले रंग का कमल है जो ये प्रभु के सखा लोग व्रज में से कहीं तोड़ के लेके आ रहे हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप प्रभु आपका लगता है, आपके मुखारविंद मानो मुखारविंद नहीं है, वो तो मानो कमल है, और उस पे रही ये रज मानो रज नहीं, उस कमल के ऊपर रही मकरंद है, और उस समय जो आपके घुंघराले घुंघराले केशों की लटें आपके मुखारविंद पे आती है तो ऐसे नहीं लगता ये केश की लटें हैं, ऐसे लगता है ये आपका मुख कमल है, उस मुख पे रही रज कमल का मकरंद है, और उस पे रही ये घुंघराली लट ऐसे लगे मानो कमल का पान करने के लिए ये लट के रूप में भ्रमरों का झुंड आ गया हो, और भ्रमरों का झुंड आके मानो इस कमल का पान कर रहा हो, ऐसा ही अनुभव हमको प्रभु आपके दर्शन में होता है, और तब मन में ये ताप जगता है कि हमसे भाग्यशाली तो ये ब्रज की रज है जो उड़ के शाम के मुख पे लग सकती है, शाम के शियंग से लग सकती है, लेकिन हमारे भाग्य में तो प्रभु के दर्शन भी नहीं है। इसलिए कहते हैं दिन परीक्षय नील कुंतलई वनरुहाननम विब्रदावृतम धन रजस्वलम दर्शयन मुहुर, और क्योंकि वो सायं काल क्या है, रजोगुणी समय है, और रजोगुणी समय होने के कारण सारे जो उनके गोपी के पति हैं वो भी गाय ले लेके घर पे आ गए हैं, उनकी रसोई करनी है, बच्चों को संभालना है, घर के सारे काम करने हैं, और मन में चटपटी है इसी समय मेरे प्रभु भी पधारते हैं, और रजोगुणी समय है इसलिए प्रभु के दर्शन करते करते प्रभु के मुख पे भी रज का दर्शन होता है। और गोपियां कहती हैं, प्रभु वही दर्शन आप हमको कराओ कि जब आप गायों के मध्य में चलते चलते पधार रहे हो और गायों के चरणों के कारण रज की रज उड़ उड़ के आपके मुख पे लगी हुई है, उस रज से आप मंडित हुए हो, कृपा करके उस दर्शन का अनुभव हमको कराओ।
आगे कहा, हे श्याम सुंदर, आपके उन चरणारविंद का दर्शन हमको कराओ, उन चरणारविंद की प्राप्ति हमको कराओ। बोले कैसे चरणारविंद? तो कहा, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम धेयमापदी। देखो पहले भी गोपियों ने कहा ना, प्रणत देहिनाम पापकर्षणम, वो भी गोपियों ने कहा और ये भी गोपियों ने कहा, प्रणत कामदम, दोनों में फर्क क्या? प्रणत देहिनाम पापकर्षणम वो अनन्य पूर्वा गोपीजनों ने कहा और ये प्रणत कामदम अन्य पूर्वा गोपीजनों ने कहा। प्रणत देहिनाम पापकर्षणम, उसमें क्या कहा कि प्रभु आपके चरणारविंद कैसे हैं जो हमारे दोषों को दूर करते हैं, और प्रणत कामदम में क्या कहा कि आपके चरणारविंद कैसे हैं जो हमारे गुणों की अभिवृद्धि करते हैं। दोनों में फर्क पड़ा ना, दोषों को दूर करना और गुणों की अभिवृद्धि करना, ये भी चरणों का लक्षण दिखाया और कहा प्रभु आपके चरणारविंद कैसे हैं, गुणों को बढ़ाने वाले हैं, और हे प्रभु ये चरणारविंद भी कैसे? तो कहते हैं पद्मजार्चितम। पद्मजार्चितम के तीन अर्थ करें, पद्मज अर्चितम, पद्मजा अर्चितम और पद्मजैहि अर्चितम। तीन अर्थ अपने आचार्य चरण ने करे। पद्मज अर्चितम चरणारविंद, यानी पद्मज यानी कौन? पद्मज यानी जिसकी उत्पत्ति कमल में से हुई। कौन वो? क्षीर सागर में प्रभु पहुंच रहे थे, प्रभु की नाभि में से कमल और कमल में से ब्रह्मा जी। तो पद्मज अर्चितम, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल में से, यानी कमल यानी पद्म, और पद्म में से जो उत्पन्न हुए वो पद्मज। और पद्मज अर्चितम यानी ब्रह्मा जी के द्वारा भी जो सेवित हैं ऐसे चरणारविंद। और ब्रह्मा जी के द्वारा सेवित कब हुए? कि जब ठाकुर जी ने वामन में से विराट स्वरूप धारण किया, चरणारविंद स्वर्ग में पधराया और ब्रह्मादि देवताओं ने अपने कमंडल के जल से प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया। तो पद्मज अर्चितम यानी ब्रह्मा जी के द्वारा सेवित है। पद्मजा अर्चितम यानी एक हुआ पद्मज अर्चितम, दूसरे चरण कैसे है? पद्मजा अर्चितम। पद्मजा कौन? हाँ, पद्मजा कौन? देखो लक्ष्मी जी भी पद्मजा, गंगा जी भी पद्मजा, सरस्वती जी भी पद्मजा। जिसका प्रागट्य कमल में से हो या जिसका स्थान कमल हो, लक्ष्मी जी का प्रागट्य प्रभु के, लक्ष्मी जी का स्थान प्रभु के चरण कमल में, सरस्वती जी का प्रागट्य प्रभु के मुख कमल में से, गंगा जी का प्रागट्य भी प्रभु के चरण कमल में से, यानी गंगा जी भी पद्मजा हैं, लक्ष्मी जी भी पद्मजा हैं और सरस्वती जी भी पद्मजा हैं, क्योंकि उनका प्रागट्य भी प्रभु के मुख कमल में से। तो यहां कहा पद्मजा अर्चितम, पद्मजा अर्चितम यानी जो गंगा जी के द्वारा सेवित, जो लक्ष्मी जी के द्वारा सेवित और जो सरस्वती जी के द्वारा भी सेवित है, ऐसे प्रभु आपके चरणारविंद हैं। तीसरा अर्थ किया पद्मजैहि अर्चितम, और पद्मजैहि अर्चितम यानी प्रभु ये आपके चरणों के ऊपर जो ये 10 नख हैं, ऐसे लगे कि 10 नख नहीं पर 10 चंद्रमा हैं, और मानो ये चंद्रमा ही आपके चरणों में आके आपकी सेवा कर रहे हैं। ये बात भी गोपियां कह रही हैं, इसलिए कह दिया पद्मजार्चितम। आपके चरणारविंद कैसे हैं? धरणी मंडनम यानी पृथ्वी के ऊपर का श्रृंगार कोई हो तो ये आपके चरणारविंद हैं। और धेयमापदी यानी विपत्ति के समय में, आपत्ति के समय में यदि किसी का स्मरण करना हो तो प्रभु के चरणों का स्मरण करो, और प्रभु के चरणों का स्मरण करके ही जीवन में आई हुई विपत्ति दूर होती है। इसलिए कह दिया ध्येय मापदी, आपत्ति के समय में ध्येय करने लायक, ध्यान करने लायक कोई है तो प्रभु आपके चरणारविंद हैं। चरण पंकजम कमल समान है, शांति देने वाले हैं, और ऐसे चरणारविंद को कृपा करके आप हमारे हृदय में पधराओ। यही बात गोपियों ने इस श्लोक के अंदर कही, और आगे भगवान कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं, हे प्रभु कृपा करो और कृपा करके आपके उस अधरामृत का दान हमको दो। और अधरामृत कैसा है? सूरत वेदनम शोकनाशनम स्वरित चुंबितम्। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुनाम सुष्टु चुंबितम्। देखो इस अधरामृत के अंदर चारों प्रकार के साधन बता दिए।
प्रभु आपके अधरामृत में साधन बल भी है, फल भी है, प्रमाण बल भी है और प्रमेय बल भी है। साधन बल कौन सा? तो कहें सुरत वर्धनम। हे प्रभु आप जानते हो भाई आपका अधरामृत कैसा है? बोले कैसा है, जो आपके आपके प्रति हमारे मन में रही रति को बढ़ाने वाला। और प्रभु आपका अधरामृत जिसको मिले, जानते हो प्रभु क्या होता है? प्रभु ने कहा क्या होता है, और प्रभु गोपियां कहती हैं प्रभु आपका अधरामृत हमको मिला है, उसका लक्षण यह है कि जिसको आपका अधरामृत मिले प्रभु उसके नेत्र आपके अलावा और किसी को देखने को तैयार ना हो। जब प्रभु आपके शब्द सुनने के बाद ये कान में और किसी को सुनने का मन न हो, जब प्रभु आपकी सेवा करने के बाद और किसी की सेवा करने का मन न हो, आपका स्पर्श पाने के बाद और किसी का स्पर्श भाए ना, तो मानो प्रभु आपका अधरामृत का अनुभव हमको हुआ है। और आपका अधरामृत कैसा? सुरत वर्धनम, जो आपके प्रति रति को बढ़ाने वाला, आपके प्रति अनन्यता को बढ़ाने वाला। शोक नाशनम, जीवन में आए हुए शोकों को दूर करने वाला, शोकों का नाश करने वाला प्रभु आपका अधरामृत। सुष्ट चुंबितम, वेणों के द्वारा प्रदाप्त ये अधरामृत प्रभु आपका है। और इतर राग विस्मरणम नाम, यानी प्रभु आपका अधरामृत ऐसा है कि संसार को भुलाने का प्रयत्न करें, संसार नहीं भुलावे, पर आपके अधरामृत का अनुभव हमको हो, तो आपके अधरामृत का अनुभव मिलते ही ये संसार का विस्मरण हमको हो जाता है। और प्रभु ऐसा अधरामृत आपने उस वेणु को दिया है, और वेणु तो पुरुष जाति है, और यदि आप उसको आप दे सको तो हमको क्यों ना दो। और गोपियां तो इतनी नाराज होती हैं और कहती हैं कि पता नहीं भगवान ने इस वेणु में क्या तो देख लिया है, एक तो बांस है, इतने इतने छिद्र उसके अंदर हैं। हम गोपियां तरसती हैं, हमको अधरामृत नहीं मिलता, लेकिन उस वेणु को अधरामृत मिलता है, उसने ऐसा तो क्या किया है। और गोपियां कहती भी हैं मुझे तो लगता है कि विधाता ने जब दोनों को गढ़ा होगा और दोनों की कुंडली बनाई होंगी तो दोनों के 32 के 32 गुण मिलते हैं, ठाकुर जी के और वेणु के। बोले क्यों? क्योंकि दोनों का स्वभाव भी समान है, वो भी ठगने वाला और ये भी ठगने वाले, ये भी मीठा मीठा बोले और ठग ले वे, वो भी मीठा मीठा बोले और ठग ले वे, दोनों का काम भी एक है। इसलिए सुधा जी भी कहते हैं कि मुरली को मन हरीसो मान्यो और हरली को मन मुरली सो, जैसे मिल गयो पै और पान्यो। दृष्टांत भी क्या दिया, ये प्रभु का और वेणु का संबंध भी कैसे है, दोनों की मित्रता कैसी है। बोले जैसी मित्रता दूध और पानी की होती है, ऐसी मित्रता प्रभु और वेणु की। बोले दूध और पानी की कैसे, कि जब दूध के अंदर पानी मिलाया जाए तो अपने पास आए हुए मित्र पानी को दूध अपना रंग दे देता है, अपना स्वाद दे देता है, अपना गुण दे देता है, सब कुछ अपने मित्र को दे के दूध अपनी मित्रता निभाता है, लेकिन पानी भी पीछे नहीं हटता। जब दूध को अग्नि के ऊपर तपाने के लिए रखा जाए तो अपना मित्र दूध, जिसने सब कुछ मुझे दे दिया है, उसको तपाने के लिए अग्नि पर रखा जाए तो उससे जलने से पहले पानी अपने आप को जला देता है, और अपने आप को जला के उस मित्र दूध की रक्षा करता है। लेकिन दूध भी ये देखता है कि मुझे जलाने के लिए अग्नि पर रखा गया और मुझे जलते देख के मेरा मित्र जल, ये पानी जल करेगा, जो मेरा मित्र न रहे तो मैं भी न रहूं, ये विचार करके दूध उफनता है और उफन उफन के अग्नि में गिरने लगता है कि जो मेरा मित्र न रहे तो मैं भी न रहूं, ये विचार करके जैसे ही दूध उफन के अग्नि में गिरने लगे, वहीं कोई बाहर से आवे और पानी के छींटे दूध के ऊपर देवे, और जैसे ही अपने मित्र का स्पर्श प्राप्त हो और दूध शांत होकर नीचे बैठ जाता है। तो जैसी मित्रता पानी में और दूध में है, बराबर ऐसी मित्रता हमारे श्याम सुंदर में और इस बांसुरी के अंदर है। सुधा जी कहते हैं देखो तो सही, विधाता ने दोनों की जोड़ी घड़ी है, कैसी जोड़ी है, कि जैसी चोर की चोर सो और जैसी ठग की ठग सो। दो सज्जन आदमी हो ना, एक संग 10-15 घंटे बैठे हो तो भी दोनों में जरा जान पहचान नहीं हो, लेकिन जो कोई दो चोर इकट्ठे बैठे हो तो 5 मिनट के लिए ऐसा संबंध हो जाता है जाने 7 पीढ़ियों का संबंध है, ऐसे मानो बरसों से एक दूसरे को जानते हो ऐसा संबंध हो जावे। तो कहते हैं ये प्रभु और वेणु दोनों के बीच का संबंध भी कैसा है, कि जैसी चोर की चोर सो और जैसी ठग की ठग सो, क्योंकि वो भी मन को चोरने वाले और वो भी मन को चोरने वाली, ये भी अपना सब कुछ ठगने वाले और वो भी सब कुछ ठगने वाली, और दोनों की जोड़ी भी विधाता ने ऐसी घड़ी है, ऐसी घड़ी है कि क्या बतावें। इसलिए कह दिया गोपियों ने कि प्रभु जैसी कृपा आपने वेणु पे करी है, ऐसी कृपा प्रभु आप करो और कृपा करके हमें भी अपने अधरामृत का दान दो। ये बात गोपियों ने इस श्लोक के अंदर कही। संक्षिप्त में समझ के अपन अब आगे
आगे 15वें श्लोक के अंदर गोपियां अपने विरह की बात करती हैं कि प्रभु आपसे दूर रह के जो एक एक पल हम व्यतीत करते हैं वो एक एक पल भी हमें प्रभु एक एक युग के समान लगता है। 16वें श्लोक के अंदर गोपियों ने कहा कि हे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र घर के सारे संबंधियों को छोड़ के प्रभु आपके लिए वन में आए, आपके सिवा प्रभु हमको कौन ऐसे त्याग सकता है, कृपा करो प्रभु, कृपा करके प्रभु हमारा वरण करो। 17वें के अंदर कहते हैं कि हे प्रभु, 17वें, 18वें और 19वें रहसी संगीतम रक्षयोदयम् प्रहसीतननम् प्रेम वीक्षणम् वीक्षधामते मोहरति स्पृहा मूयते मन दूरहे हम ते रक्षयोदयम्। हे प्रभु, जब आप हमसे दूर हो तो प्रेम की परीक्षा संग रह के नहीं होती, जब अपने प्रिय से दूर जाने का अवसर हो, जब अपने प्रिय से कुछ पल भी अपन दूर जावे तो अपन को पता चले कि वो अपने लिए क्या है, वो अपने लिए क्या मायने रखता है, उसकी उपस्थिति अपने जीवन में कितनी महत्व की है। हे प्रभु, जिन आपके एकांतिक संभाषण को हमने उस समय महत्व नहीं दिया, लेकिन आज वही आपकी प्रेम से करी हुई हमको वो मीठी मीठी बातें याद आ रही हैं। हे प्रभु, जब आपने वो प्रेम भरी नजर से हमारी ओर देखा था, हमें वो याद आ रहा है। प्रहसितानंदम प्रेम वीक्षणम, हे प्रभु आपका वो हंसता हुआ मुखारविंद, हे प्रभु आपका मधुर हास्य, आपको प्रेम से देखने की वो प्रभु छटा हमें याद आ रही है। बृहदुरः श्रियो वीक्ष धामते, और प्रभु लक्ष्मी जी का धाम रूप आपका वो वक्षस्थल प्रभु वो भी हमें याद आ रहा है। प्रभु कृपा करो, हम आपके दर्शन से मोहित हुई हुई हैं, हम मोहित हो गई हैं और आपका ये सारा स्मरण हमारे अंदर राग जगा रहा है। इसलिए हे श्याम सुंदर, प्रकट हो जाओ, प्रकट होके हमको दर्शन दे दो और हमारे ताप का शमन कर दो। और हे प्रभु, हे प्रिय, देखो तो आप प्रभु, आप जानते हो प्रभु क्यों प्रकटे हो? बोले ब्रजवासियों के पाप को नाश करने के प्रभु आप प्रकटे हो,
विश्व का कल्याण करने के लिए प्रभु आप प्रगटे हो, और विश्व का कल्याण करने के लिए जो प्रगटे हैं वही ऐसे मौन रह के छुप जाएंगे तो प्रभु जगत का कल्याण कैसे होगा। हे प्रभु, आपके स्वरूप को पाने की इच्छा वाली हम गोपियां हैं और हमारे एक हृदय रोग लगा है, और हृदय रोग का औषधि कोई है तो प्रभु आपके दर्शन है, वरना इस रोग के बिना, इस रोग के द्वारा हम मर जाएंगे। हे प्रभु, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो के आपके दर्शन दो, और हृदय में आपके दर्शन की जो पीड़ा है, जो ताप जल रहा है, उसका प्रभु शमन कर दो। ऐसे करते करते गोपियों ने 18 श्लोक गाए, लेकिन 18 श्लोक गाते गाते गोपियों के मन में दीनता आ गई, अहंकार पिघल गया, आगे गोपियां गा न सकी, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, हृदय भर आया, फूट फूट के रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी, आंखों में से दर दर आंसू बहने लगे, और 19वें श्लोक को जैसे तैसे करके गोपियों ने अपने मुख से उच्चारित किया और कहने लगी, यत्ते सुजात चरणा गुरुहं स्तनेषु वीता शने प्रियमहि दधिमहि कर्कशे तेना तवीमटसि तत् व्यततेन किं स्वीत् पुरपादिभिर्भ्रमतिभि भवदायुषां। आगे गोपियां गाते गाते फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हम डरते डरते आपके चरणारविंद को हमारे हृदय पे धारण करती हैं, डरते हैं इसलिए क्योंकि प्रभु आपके चरणारविंद कोमल हैं और हमारे हृदय के अंदर काम है, क्रोध है, मोह मद मत्सर है, इसलिए हमारा हृदय प्रभु कठोर है, और ऐसे कोमल चरणारविंद को हम डरते डरते अपने हृदय पे धारण करें, और उसी कोमल चरणारविंद को लेके जब प्रभु आप वन में गैया चराने जाते हो, चरणों में प्रभु कांटे लगते हैं, कंकर लगते हैं, दर्व के अंकुर लगते हैं, लेकिन प्रभु आप भूल जाते हो, आप खुले चरणारविंद से वन में गाय चराने जाते तो हो, पर आपको पता नहीं है, भले आपके संग आपके चरण गए हैं, पर आपके चरण तो नित्य हमारे हृदय पे विराजमान हैं, और प्रभु उन्हीं चरणारविंद में जब कांटे लगते हैं, कंकर लगते हैं, तो जो जो पीड़ा आपके चरणों में लगती है उसका दर्द प्रभु हमें अपने हृदय में होता है, क्योंकि आपके चरण तो नित्य हमारे हृदय में विराजमान है। तो प्रभु आप वन में क्यों जाते हो? प्रभु आपको तो कांटे लगते हैं, पर आपके चरणों में एक एक कांटा लगे उसके बाद हम गोपियों के हृदय में क्या पीड़ा होती है आप जानते हो? हम गोपियां वो पीड़ा कैसे सहती हैं प्रभु आप जानते हो? और जैसे ही गोपियों ने ये 19वां श्लोक गाया, उनके धैर्य का बांध टूट गया, फूट फूट के गोपियां रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी, कोई गोपी कुछ कह नहीं सक रही, कोई कुछ बोल नहीं सक रही, फूट फूट के रो रही है। गोप्य मृगायन्त प्रलपन्त्यश्च चित्रला रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा। गोपियां फूट फूट के रोने लगी थी, गोप्य मृगायन्त फूट फूट के रो रही हैं, फूट फूट के रो रही हैं, लेकिन सुखदेव जी कह रही हैं आज गोपियां जब रो रही हैं तो गोपियों का रोना भी बेसुरा नहीं है, सुरीला है। ये दुनिया में हर कोई रोता है लेकिन हर एक का रोना बेसुरा लगता है, क्योंकि हम सब रोते हैं इस जगत के लिए, पर गोपियों का रोना सुखदेव जी को सुरीला लगा क्योंकि गोपियां रो रही हैं जगदीश के लिए, इसलिए उनका रोना भी सुरीला लगा। और भगवान तो कहीं गए नहीं थे, गोपियों के हृदय में ही छुपे हुए थे, और जब गोपियों का हृदय तपने लगा, विरहाग्नि से जलने लगा, तो जैसे बलते हुए घर के अंदर कोई रह नहीं सकता, यदि कोई घर के अंदर बैठा हो और घर जब जलने लगे तो उसे बाहर आना ही पड़ता है, और जो श्याम सुंदर गोपियों के हृदय में छुपे हुए थे, और जब गोपियों का हृदय प्रभु के विरहाग्नि में जलने लगा, तपने लगा, तो जैसे बलते हुए घर में कोई रह नहीं सकता, प्रभु भी रह ना सके, और भगवान कोटि कंदर्व लावण्य स्वरूप धारण करके पीताम्बर दरस्त्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। और उसी
समय भगवान पीताम्बर धारण करके कोटि कोटि कंदर्व लावण्य स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुए। बोलिए गोकुल के चंद्र की जय। और जैसे ही भगवान सामने प्रकट हुए, कोई गोपी भागति भागती आई, किसी ने आके ठाकुर जी का श्रीहस्त्र लेके अपने माथे पधराया, किसी ने प्रभु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया, कोई टगर टगर प्रभु को देखने लगी, अपने वस्त्र बिछाए भगवान को विराजमान कराया, कोई टगर टगर देख रही है, कोई बोल नहीं पा रही, रोए क्या हंसते हैं, अपनी खुशी को व्यक्त करें या प्रभु इतनी समय तक दूर रहे उसकी पीड़ा को व्यक्त करें, किसी गोपी के समझ में नहीं आ रहा। कहे श्याम सुंदर छोड़ के क्यों गए? भगवान ने कहा गोपियों मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ, और जब किसी से प्रेम करते हैं तो उससे दूर कैसे रह सकते हैं। और जैसे ही भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, और गोपियों ने कहा प्रभु एक क्षण के लिए खड़े रह जाना, आप कह रहे हो कि प्रभु आप हमें प्रेम करते हो, दुनिया में प्रेम करने वाले प्रभु हमने बहुत देखे, लेकिन जिसको भी अपन प्रेम करते हैं उसके आंख के आंसू देख नहीं सकते, लेकिन ये आपका प्रेम करने का कैसा ढंग कि जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हो उसी को सबसे अधिक रुलाते भी हो, प्रभु ये प्रेम करने का कैसा ढंग है आपका। दुनिया में प्रेम करने वाले प्रभु तीन प्रकार के होते हैं, प्रभु आप भी तो बताओ आपका प्रेम हमारे प्रति कैसा है। एक वो कि जो प्रेम करने वाले को प्रेम करे, एक वो कि प्रेम न करने वाले को भी प्रेम करे, और तीसरा वो प्रेम करे कि न करे, किसी को ना करे। तो बताओ प्रभु इन तीनों में से आप कौन, इन तीनों में से प्रभु आपका प्रेम कैसा है। भगवान ने कहा इन तीनों में से मैं कोई नहीं। बोले क्यों? क्योंकि जो प्रेम करने वाले को प्रेम करे उसको प्रेम कहते ही नहीं, उसको तो सौदा कहते हैं। जिसमें एक हाथ ले एक हाथ दे हो उसको तो डील कहा जाता है, वो तो व्यवहार है कि जो प्रेम करे उसको प्रेम करो, उसमें मैं नहीं हूं। प्रेम न करने वाले को भी प्रेम करे प्रभु के उसमें आते हैं माता पिता, चाहे बालक करे कि न करे, लेकिन माता पिता तो करते रहेंगे, मैं भी उसमें नहीं। प्रेम करे कि न करे, किसी को न करे, उसमें चार प्रकार, आत्मानाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोही और आप्तकाम, ये चारों में से मैं कोई नहीं। तो कहा आप हो कौन और आपका प्रेम करने का ढंग कैसा है। भगवान ने कहा मैं तो उस कल्प वृक्ष की तरह हूं कि जिस कल्पवृक्ष के नीचे जो जैसे भाव को लेके आ जावे वो कल्पवृक्ष उसका मनोरथ बराबर ऐसे ही पूरा करता है, लेकिन मेरा प्रेम करने का ढंग थोड़ा अलग है। पहले मैं अपने जीव को मिलता हूँ, उसके संग मीठी मीठी बातें करता हूँ, उसके संग थोड़ा रहता हूँ, सुख दुख की बातें करता हूँ, लेकिन जब मुझे लगे कि इसकी आसक्ति मेरे में इतनी अधिक बढ़ गई है, इतनी अधिक बढ़ गई है कि ये मेरे बिना जी नहीं पाएगा, जब मुझे ऐसा लगे तब उसे छोड़ के मैं बहुत दूर चला जाता हूं। और फिर उस जीव की ऐसी दशा हो जाती है, भले घर का काम करे, घर की प्रवृत्ति करे, वो सारे धर्म निभावे, लेकिन उसका मन तो एकमात्र मेरा ही चिंतन करता रहता है, और मेरा प्रेम करने का ढंग भी ऐसा है। भगवान कहे मैं छोड़ के भी इसलिए जाता हूं क्योंकि मैं देखूं कि जब मैं हूं तो मेरे गुणगान करता है, और मेरे न होने पर मेरे कितने अनुकूल रहता है। किसी विदेशी चिंतक ने भी कहा है ना कि प्रेम की परीक्षा संग रह के नहीं होती, और प्रेम की परीक्षा करनी हो तो उसका लक्षण क्या। उस विदेशी चिंतक ने कहा इफ यू लव समवन सेट इट फ्री, इफ यू लव समवन सेट इट फ्री, इफ इट कम्स बैक इट इज योर्स, इफ इट इज नॉट इट नेवर वॉज। उस चिंतक ने कहा कि यदि इस दुनिया में इस जीवन में आप किसी से प्रेम करते हो तो उसे मुक्त करो, किसी से भी आप प्रेम करते हो तो उसे कुछ समय के लिए मुक्त करो, और यदि मुक्त करने पर वो वापस आपके पास आ जावे तो समझ लो वो आपका ही है, और मुक्त करने पर जो यदि आपके पास ना आवे तो समझ लो आप सिर्फ उसे अपना मान बैठे थे पर वो आपका कभी था ही नहीं। यदि प्रभु कहते हैं इस प्रेम को देखने के लिए मैंने तुम्हें थोड़ी समय के लिए मुक्त किया, जब मेरे पास हो तो मेरे गुणगान गाती हो, लेकिन जब मैं तुम्हें भूल दूं, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं, मैं तुम्हें अकेला रात्रि के समय वन में छोड़ के चला जाऊं, उसके बाद भी तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति वही रहता है कि नहीं रहता, मैं ये देखना चाहता था। और गोपियों तुम्हारे प्रेम में कोई फर्क ना पड़ा, बताओ तुम्हारा मनोरथ क्या है। और तब गोपियों ने महाराज की विनती करी, और महाराज करने के लिए जितनी जितनी गोपियां थी, लघुरास में एक श्याम सुंदर और हजारों गोपियां, और महाराज के अंदर जितनी जितनी गोपियां हैं इतने इतने स्वरूप भगवान ने धारण करे, और एक एक गोपी के संग
उसकी आशक्ति का जो स्वरूप हो, जिस स्वरूप ने उसकी आशक्ति, जिस लीला में उसकी आशक्ति, ऐसा स्वरूप धारण करके उन गोपियों के संग भगवान ने महारास किया। हजारों गोपियां, हजारों श्याम सुंदर, लेकिन जो गोपी के पास जो श्याम सुंदर खड़े हैं, इस गोपी की दृष्टि उसी प्रभु के मुखारविंद पे है। हर एक गोपी को ऐसा ही लगता है कि पूरे रास के अंदर मात्र दो ही व्यक्ति हैं, मैं और श्याम सुंदर। और उसी प्रकार से हजारों हजार गोपियों ने हजारों हजारों प्रभु के स्वरूपों के संग रास किया। तो आओ, उस रास का सिर्फ दर्शन करना है कि उसका अनुभव ही करना है? हाँ, क्या? क्योंकि जहां रास की कथा वहां वृंदावन, जहां रास की कथा, जहां महाराज की लीला, ये सारी लीलाएं नित्य हैं। मैंने पहले कहा ना, दान लीला, मान लीला, गौचारण लीला और रास लीला, ये लीला कैसी है? नित्य, जो प्रभु रोज करते हैं। और जहां जहां कथा होती है वहां वृंदावन, और जहां वृंदावन वहां रास तो नित्य होना चाहिए। तो महाराज का दर्शन अपन करेंगे, जिसको करना हो कर सकता है, उसके बाद फिर अपनी समापन विधि होगी, क्योंकि जरा 5 बजे तो फिर यहाँ से प्रयाण करना है। इसलिए बोलिए रास विहारी देखो सभी, कितना अद्भुत आयोजन अपने श्री वेंकटेश बालाजी के मंदिर से अपन यहाँ आए, उनकी कृपा।